केएफसी की जो मुर्गी होती है ना उस पर ये कुरकुरापन और ये देखें इस तरह लग रहा है जैसे ये केएफसी से आया हुआ हो। सर आपने सैंडविच कौन-कौन देखा? यार सैंडविच तो आपने जो ना हमें इस चैनल पे 25-30 मुल्कों के खिलाए लेकिन अब मुझे उनके नाम तो पता ही नहीं। एक तो नाम उनके इतने मुश्किल होते हैं मुझे तो अभी तक याद नहीं। हाँ ये कि देखूंगा तो शायद कुछ याद आ जाए। अंडे वाले खाए हैं, चिकन वाले खाए हैं और उसके अलावा मतलब आलू वाले खाए हैं, बहुत सारे मतलब खाए हैं। आज मैं आपको ना फ्राइड सैंडविच ट्राई करूँगा। फ्राइड सैंडविच तो खैर ये कोई नया सैंडविच होगा। फ्राइड सैंडविच यार फ्राइड चिकन तो खाई है लेकिन ये फ्राइड सैंडविच ये नहीं खाया यार। चलो आज ये भी ट्राई करते हैं कैसा है। और ये सैंडविच तो बड़ा कोई तकड़ा लगता है। ये तो मेरे ख्याल में केएफसी से मंगाया क्या? ये सर मैंने खुद बनाया। अच्छा लेकिन ये ना केएफसी की जो मुर्गी होती है ना उस पर ये कुरकुरापन और ये देखें इस तरह लग रहा है जैसे ये केएफसी से आया हुआ हो। यार ये वाकई डब रोटी है ये? यार मेरे तो समझ में नहीं आता यार कि ये लोगों के दिमाग में कैसे कैसे आती हैं। ये तो मेरे समझ से बाहर है कि डब रोटी का नहीं यार। अरे वाकई तो बड़ा ही ज़बरदस्त यार, तो बहुत अच्छा है मतलब आपने खुद बनाया ये तो। फिर तो मुझे भी यार सिखाना, मैं भी ये ऐसा बनाऊंगा क्योंकि दिखने में इतना मज़े का तो खाने में कैसा होगा यार। वाओ ये तो मुझे तो लगता है ये आपने एक दफ़ा मैशेड पोटैटो आपने खिलाया था वो लग रहा है इस तरह का मतलब ऐसा। यार इतना सारा मवाद डाला वही क्या कीमा है क्या डाला? कीमा नहीं है ये, इसके अंदर आलू है। अच्छा और इसमें चिकन और इसमें उबले हुए अंडे। ओए होए उबले हुए अंडे और चिकन और साथ में आलू भी, ये तो मज़ा ही आ जाएगा यार। चलो फिर ट्राई करूँ ज़रा खा के। यार वाकई ये तो बहुत ही लजीज है, बहुत ही जायकेदार है। वाकई यार बहुत ही मजे का है तुम। एक तो इसका अंदर जायका, ऊपर से जो ऊपर का है ना कुरकुरा, यार वैसे इसका जो ये कुरकुरापन है ना ये बड़ा मज़ा कर रहा है यार। ऐसा सैंडविच यकीन करो मैंने कभी भी नहीं खाया। भाई जब इसको खाओ ना इसका जब साउंड निकलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे केएफसी की मुर्गी खा रहे यार। एक बार पहले हम लोगों ने ऐसी टेबल पे बैठ के वो मशीन में सैंडविच बना के खाया था तो वो तो अलग था यार। ये वाकई ये आपने बनाया किस तरीके से बनाया यार? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तेल में फ्राई किया? अच्छा तेल में फ्राई की है, वाकई ज़बरदस्त। लेकिन ये ऊपर कैसे बनाए डिज़ाइन बिल्कुल जैसा समोसे के ऊपर खाल बनी होती है इस तरह? इस पे आटा लगा के ना फिर इसको तेल में डाल देते हैं, अंडे में डुबा के ब्रेड को। अच्छा और जो ये मसाला आपने इसमें भरा हुआ है ना इस तरह का मसाला जो है ना आलू के जो समोसे बनते हैं ना हम उसमें भरते हैं, लेकिन आपने तो ये मुख्तलिफ ही चीज़ बना दी यानी एक नायाब चीज़ बना दी। वाह 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 फ्राइड सैंडविच वाह। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों के मुंह में भी पानी आया होगा क्योंकि इतना मज़े का सैंडविच है वाकई यार, बहुत ही मज़ा आ रहा खाने में, बस दिल कर रहा खाए जाओ। यू मेड वर्ल्ड बेस्ट सैंडविच। वैसे यार मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी चीज़ें, और इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके ज़रिए हमें इतनी सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं खाने को, ऐसे मज़े की मतलब हर चीज़ का एक टेस्ट लेते हैं हम लोग के, वाकई दिल खुश हो जाता है कि यार वाकई ऐसी चीज़ें भी हैं। क्योंकि हम लोग तो घर में बनाते हैं एक नॉर्मल सा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग शक्ल की, अलग अलग जायके की, वाकई मज़ा आता है खाने में भाई। वाकई ये अमेरिका वाले तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कुरकुरापन और इस तरह का मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। नमक मसाला तो बिल्कुल बराबर है, सही है, लेकिन इसमें यार ये जो अंदर मवाद डाला है ना ये जो चीज़ें, वाकई आपको सलूट करता हूँ यार, वाकई बहुत ही मज़े के बनाए। बहुत ही ज़बरदस्त, अगर इसमें ये मसाला ना भी होता डबल रोटी ऐसी बनी हुई है कि ये वैसे ही खा लेता मैं। वैसे यार इसको तो हम चाहे केचप में, चाहे चटनी में, चाहे वो मैक्सिकन सालसा था उसमें भी डिप करके खाएं तो वाकई मज़े का होगा यार।
वैसे इसके साथ भी मज़ा आ रहा है खाने में। सर पसंद आया आज आपको ये फ्राइड चिकन? भाई ये पसंद तो मुझे बेहद आया। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।